Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vishali, and with this lecture we are going to start with molecular biology. This is the first lecture of the series aur hum discuss karne wale hain DNA replication, repair and recombination. Sabse pehle hum discuss karenge different experiments jisse prove hua ki DNA hi genetic material. The landmark experiments hain जिनसे प्रूव हुआ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, पहले हम उन्हें डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली टॉपिक्स टू बी कवर्ड विल बी डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर एंड डीएनए कॉम्बिनेशन, स्टार्टिंग विथ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. अगर हम डीएनए की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट डीएनए. तो डीएनए इज deoxyribonucleic acid. Firstly, our DNA is deoxyribonucleic acid. And अगर हम बात करते हैं genetic material, तो इस word DNA as a genetic material मतलब क्या है? It states कि DNA क्या करता है? Genetic information को एक generation से दूसरी generation में pass on करता है. That is DNA carries genetic information from one generation. DNA carries your genetic information from one generation to next generation. That is from parents to the offspring. और अगर हम DNA के बारे में बात करें तो हमें पता है DNA के पास क्या है? दो polynucleotide chains हैं. DNA is having two polynucleotide chains. तो क्या करती हैं? Coil करती हैं एक दूसरे के ऊपर to form a double helical structure. Two nucleotide chains. We have two nucleotide chains that coil around one another, form a double helical structure. DNA is deoxyribonucleic acid which acts as a genetic material, that is carries genetic information from one generation to another. And thirdly, हमारे पास क्या है? दो polynucleotide chains हैं, एक दूसरे के साथ coil करती हैं और एक double helical structures बनाती हैं. अब बात करते हैं experiments की जिन्होंने prove किया कि आपका DNA ही genetic material है. First experiment is So, we have to discuss about DNA. First experiment जो हम discuss करेंगे, that is your Griffith's experiment. First experiment is Griffith's experiment. हमें पता है कि इससे हमें transforming principle मिला. इतने actually किया क्या था? इन्होंने लिए Cryptococcus pneumoniae. इन्होंने लिया Cryptococcus जब हम स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया की बात करते हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं. स्ट्रिप्टोकोकस से हमारे पास दो डिफरेंट, एक है हमारे पास एस स्ट्रेन, सेकेंड हमारे पास है
आर्ट्स स्ट्रीम। अगर हम बात करें स्ट्रिप्टोकोकस, तो हमारे पास दो डिफरेंट, एक है हमारे पास एस स्ट्रेन और एक है हमारे पास आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब क्या है? एस स्ट्रेन जो है वो आपकी स्मूथ कॉलोनीज बनाता है। एस स्ट्रेन आपकी स्मूथ कॉलोनीज बनाता है क्योंकि इसके पास एक म्यूकस की कोटिंग है। बिकॉज ऑफ म्यूकस, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है अबाउट एस स्ट्रेन वो ये है कि ये आपका वायरुलेंट स्ट्रेन, आपका जो एस स्ट्रेन है वो आपका वायरुलेंट स्ट्रेन। वहीं पे जब हम बात करते हैं आर स्ट्रेन की, ये कैसे फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करता है टफ कॉलोनीज, इसके पास म्यूकस की कोटिंग नहीं है एंड इट इज योर नॉन वायरुलेंट। करेक्ट, तो हमें क्या पता चला? एस स्ट्रेन हमारा वायरुलेंट है और आर स्ट्रेन हमारा नॉन वायरुलेंट। अब सबसे पहले जब माइस में आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, अगर माइस में हम आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हमारा आर स्ट्रेन क्या है? नॉन वायरुलेंट है। माइस क्या हो जाएगा? माइस विल सर्वाइव, माइस सर्वाइव करेगा। करेक्ट, नेक्स्ट हमने क्या किया? नेक्स्ट जब हम माइस में, अगर हम माइस में अगर हम एस स्ट्रेन इंजेक्ट करेंगे, व्हाट वी विल गेट? एस स्ट्रेन हमारा क्या है? वायरुलेंट स्ट्रेन। ऑब्वियसली वायरुलेंट स्ट्रेन है तो इन्फेक्शन होगा, निमोनिया कॉज होगा आपके माइस में, जिस वजह से माइस डाइज आउट। तो ये तो अकॉर्डिंग टू उनके फीचर्स हो गए। अब ग्रिफिथ ने क्या किया? उन्होंने लिया माइस जिसमें उन्होंने इंजेक्ट किया हीट किल्ड, उन्होंने इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस के साथ उन्होंने इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन। ये चीज याद रखना प्लीज, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को यूज किया ताकि वो इन्फेक्शन ना कॉज पाए, और उसके साथ आर स्ट्रेन जो यूज किया है वो लिविंग है। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एस स्ट्रेन जो है वो ऑलरेडी डाइड आउट है, क्या वो इन्फेक्शन कॉज करेगा? क्या माइस अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग आपका एस स्ट्रेन इनएक्टिव है। अगर एस स्ट्रेन इनएक्टिव है तो आपके माइस को सर्वाइव करना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। इन दिस केस माइस डाइड। तो व्हाट ही कंक्लूडेड? उन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ ऐसा सब्सटेंस था जो आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ एंड दैट कॉज्ड योर आर स्ट्रेन टू चेंज इनटू एस स्ट्रेन एंड बिकम इन्फेक्शियस। आई विल रिपीट अगेन, उन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उन्होंने कि कोई ऐसा सब्सटेंस था जो आपके हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, की वजह से आर स्ट्रेन जो था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया एंड एज अ रिजल्ट कॉज्ड इन्फेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन निमोनिया माइस डाइड आउट। तो आपको इससे ये समझ में आया कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ कुछ ऐसा था जो ट्रांसफर हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया कि वो एक्चुअली डीएनए था। तो अगर हम कंक्लूजन स्टेट करें, स्टेट द कंक्लूजन, conclusion is your transforming principle.
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? स्टेट्स समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन. एस स्ट्रेन भी कौन सा है आपका? हीट किल. Something is transformed from your heat killed S strain to R strain that changed it to S strain and mice died by प्लीज याद रखना कि जब हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि हाँ कुछ ट्रांसफर होता है, लेकिन ये अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया कि डीएनए ट्रांसफर हो. तो इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हमने स्टडी किया है, दैट इज आइवरी एकार्टी एंड मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कैरी फॉरवर्ड किया गया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया गया, आइवरी मैकार्टी एंड मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट. क्या किया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिमूव्ड पॉलीसेकेराइड फ्रॉम एस. इन्होंने क्या किया, आपके एस स्ट्रेन था उससे पॉलीसेकेराइड को रिमूव किया, उसके साथ रखा आर स्ट्रेन, के साथ रखा आर स्ट्रेन और इसको इंजेक्ट किया माइस में. क्या किया, सबसे पहले एस स्ट्रेन से पॉलीसेकेराइड को रिमूव किया, साथ आर स्ट्रेन लिया एंड माइस में इंजेक्ट किया. क्या रिजल्ट आना चाहिए? इन्होंने रिजल्ट नोट किया, जो माइस था वो डाई आउट हो गया. माइस डाइड, करेक्ट? ठीक है, अगर माइस डाई आउट हो गया मतलब पॉलीसेकेराइड का कोई रोल नहीं है आपके ट्रांसफॉर्म, करेक्ट? अगर माइस ऑलरेडी डाइवर्ट हो गया मतलब जो चीज बेसिकली ये पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रही है वो अभी भी एस स्ट्रेन के अंदर है, तभी माइस डाई हुआ है या मरा है. तो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट इन्होंने रिमूव किया प्रोटीन, इन्होंने रिमूव किया प्रोटीन फ्रॉम द एस स्ट्रेन को, कंबाइन किया आपके आर स्ट्रेन के साथ एंड उसको जब इंजेक्ट किया माइस में क्या रिजल्ट आया, जब प्रोटीन को रिमूव किया और फिर देखा देन आल्सो माइस डाइड. सेम कंक्लूजन कि प्रोटीन का भी कोई रोल नहीं है इन्फेक्शन, करेक्ट? कि प्रोटीन को अगर रिमूव कर रहे हैं तब भी तो इन्फेक्शन हो रहा है ना, तभी भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस प्रोटीन का कोई रोल नहीं है आपके ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट व्हाट दे डिड, अब इन्होंने रिमूव किया, नाउ दे यूज डीएनएज रखा, एंजाइम डीएनएज रखा, साथ रखा एस्ट्रेन
डीएनएज विद, ने यूज किया डीएनएज विद एस स्ट्रेन, फिर साथ कंबाइन किया आपके आर स्ट्रेन को एंड फाइनली इंजेक्ट किया माइस में। क्या देखा इन्होंने? इन्होंने देखा तो माइस था दैट सर्वाइव्ड, माइस जब आपने डीएनए ऐड किया, मतलब आपने डीएनए को डिग्रेड कर दिया, तो जो आपका माइस है दैट सर्वाइव। दैट मींस कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रही है? दैट इज डीएनए। तो अगर हम ध्यान से देखें, इनका बेसिक मोटिव ये था कि हम डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे और देखेंगे कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है। जब इन्होंने पॉलीसेकेराइड को रिमूव किया तब भी माउस मर गया, किल हो चुका था। जब इन्होंने प्रोटीन को डिग्रेड किया या प्रोटीन को रिमूव किया तब भी माउस सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन जब इन्होंने डीएनए को रिमूव किया तो आपका जो आर स्ट्रेन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से माइस जो था वो सर्वाइव कर पाया। बट दे कंक्लूडेड, दे कंक्लूडेड that is transformation of R string caused by that is आपका जो DNA है, डीएनए का ट्रांसफर हुआ है आपके एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, की वजह से कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपके एस स्ट्रेन के इनएक्टिव होते हुए भी माइस जो है उसकी डेथ। दिस वाज हाउ डीएनए इनिशियल एविडेंसेस थे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसको कंक्लूड फाइनली जो कहेंगे बेटर एविडेंसेस जो थे दैट वॉज गिवन बाय हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो देखना है दैट इज हर्शे एंड चेस इन्होंने यूज किया बैक्टीरियोफाज ने यूज किया बैक्टीरियोफाज T2 बैक्टीरियोफाज T2 एंड ये जो बैक्टीरियोफाज आपका T2 है दैट इन्फेक्ट्स योर इकोलाई इन्होंने क्या किया इन्होंने दो डिफरेंट कल्चर इन्होंने दो डिफरेंट कल्चर और इन इकोलाई कल्चर्स पर इन्होंने बैक्टीरियोफाजेस को कल्टीवेट किया या फिर ग्रो किया। ने क्या किया दो डिफरेंट अभी बात करेंगे दो डिफरेंट इकोलाई कल्चर लिए, एक में इन्होंने रखा रेडियो लेबल्ड सल्फर एंड दूसरे में इन्होंने रखा रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस। क्या किया इन्होंने इन्होंने लिए दो डिफरेंट इकोलाई कल्चर जिसमें एक कल्चर में आपको दिखाया रेडियो लेबल सल्फर और एक इन्होंने रखा रेडियो लेबल फॉस्फोरस। अब इन्होंने इस कल्चर पे ग्रो कराया बैक्टीरियो, फर्स्ट कल्चर पे भी बैक्टीरियोफाज T2 ग्रो करेगा सेकेंड पे। अगर रेडियो लेबल सल्फर पर बैक्टीरियोफाज ग्रो कर रहा है तो उसमें कौन सा कंपोनेंट लेबल होगा? सल्फर इज अ कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड। अब जो बैक्टीरियोफाज आएगा बैक्टीरियोफाज विद
एबल्ड आपका जो सल्फर है दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ योर अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ योर प्रोटीन, तो अगर आप रेडियो लेबल सल्फर्स पर बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, रेडियो लेबल्ड प्रोटीन्स, ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसमें, एंड अगर आप फॉस्फोरस पे ग्रो करा रहे हो कैसे बैक्टीरियोफाजेस मिलेंगे, बैक्टीरियोफाजेस विद एबल्ड करेक्ट, फॉस्फोरस कंपोनेंट है डीएनए का, एज अ रिजल्ट आपका डीएनए भी क्या हो गया, लेबल हो गया। अब इन्होंने क्या किया, न्यू कल्चर्स पर बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराया, तो रखो बैक्टीरियोफाज वन, तो रखो बैक्टीरियोफाज टू, जो प्रोटीन लेबल्ड है वो बैक्टीरियोफाज वन है और जिसमें डीएनए लेबल्ड है दैट इज बैक्टीरियोफाज टू। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज वन और टू का इन्फेक्ट इकोलाई या इकोलाई को इन्फेक्ट कराया बैक्टीरियोफाज वन से एंड बैक्टीरियोफाज। अब क्या होगा, जब कराया क्या देखा, जब बैक्टीरियोफाज वन में आपका प्रोटीन लेबल था इकोलाई वाज नॉट लेबल्ड, लेकिन जब उन्होंने बैक्टीरियोफाज टू देखा, बैक्टीरियोफाज को जब इकोलाई से इन्फेक्ट करा आपका डीएनए लेबल्ड है, उसका रिजल्ट क्या था, इकोलाई वाज लेबल्ड। इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, ये कंक्लूजन होगा कि जो आपका बैक्टीरियोफाज था वायरल पार्टिकल था उसने डीएनए को क्या किया, ट्रांसफर किया है टू योर, दैट लेड टू द कंक्लूजन दैट इज डीएनए इज द जेनेटिक। पर दोबारा रिपीट करेंगे, पहले कंक्लूजन इज डीएनए एक कैसे पता चला, फाइनली पता चला कि डीएनए जो है वो जेनेटिक दैट वाज बाय हर्शे एंड चेज ने क्या यूज किया, बैक्टीरियोफाज T2 यूज किया तो आपका इन्फेक्ट करता है इकोलाई। पहले इन्होंने क्या किया, दो इकोलाई कल्चर लिए, इन्होंने फर्स्ट वाले में जो था वो रेडियो लेबल सल्फर एंड सेकंड कल्चर में इन्होंने रेडियो लेबल फॉस्फोरस और इन कल्चर्स के ऊपर इन्होंने को ग्रो किया। अगर बैक्टीरियोफाज को रेडियो लेबल सल्फर मिलेगा उसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रोटीन लेबल हो गया। जब बैक्टीरियोफाज को रेडियो लेबल फॉस्फोरस मिला की वजह से क्या हुआ, डीएनए जो था वो लेबल हो गया। जब न्यू कल्चर फ्रेश कल्चर्स फ्रेश इकोलाई कल्चर पर जब इन बैक्टीरियोफाजेस को इन्फेक्ट कराया गया, बैक्टीरियोफाज वन के केस में देखा गया कि इकोलाई में कोई लेबलिंग नहीं, वहीं पर जो B2 था बैक्टीरियोफाज टू था उसमें था इकोलाई क्या हो गया, लेबल हो गया। क्या कंक्लूड, वायरल पार्टिकल ने डीएनए को ट्रांसफर किया है इकोलाई में and viral while infecting transfers its genetic material that established DNA as a genetic। ये हैं आपके landmark experiments जिन्होंने प्रूव किया DNA as। कमिंग टू क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन जो आएगा या तो इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएगा कि अगर आप डिफरेंट कल्चर्स लो डिफरेंट कंपोनेंट्स लो तो क्या इफेक्ट, आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सल्फर को लेबल, सल्फर लेबल है तो किस कंपोनेंट को जो है तो लेबलिंग मिलेगी डीएनए, और दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि आपने फॉस्फोरस को लेबल किया तो कौन सा कंपोनेंट, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल लेबल हो जाएगा, वेरी कॉमन क्वेश्चन। एक इनके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जाते हैं, सेकेंडली फॉर एग्जाम्पल पूछा जाता है हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट्स का मेन पॉइंट क्या था, दैट इज दे यूज
फेजेस का दे यू रेडियो लेबल सर्फेस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं दे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट कमिंग टू केने रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे प्रूफ तो दिस इज योर प्रोकैरियोटिक करेक्ट प्रोकैरियोटिक डीएनए पहले डिस्कस एज वी नो हमारा जो प्रोकैरियोट है उसका जीनोम सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम जीनोम ऑफ आर प्रोकैरियोट ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्रोकैरियोटिक फीचर्स ऑफ योर प्रोकैरियोटिक क्या फीचर्स हैं सबसे पहला फीचर हम जनरल बात कर लेते हैं फीचर्स क्या हैं सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या है आपका नया डबल स्ट्रैंड न्यू डबल स्टैंडर्ड डीएनए आएगा उसमें एक स्ट्रैंड होगा ओल्ड स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड होगा वो होगा न्यूली सिंथेसाइज सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आएगा उसमें एक स्ट्रैंड जो होगा वो ओल्ड होगा सेकेंड स्टैंड होगा वो न्यूली सिंथेसाइज दैट इज सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन नेक्स्ट पॉइंट बहुत कॉमन है बहुत बार पता होगा और ये दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन 5'2 रेप्लिकेशन इज फाइव प्राइम टू थर्ड जो आपको याद रखना दैट इज आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज बाय डायरेक्शन इज बाय डायरेक्शन अगर आपका ए डबल स्टैंडर्ड दोनों डायरेक्शंस पर एप्लीकेशन दैट दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज सेमी कंजर्वेटिव होता है न्यूली डबल स्टैंडर्ड डीएनए आएगा उसमें एक स्ट्रैंड पूरा होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए रेप्लिकेशन 5' थर्ड बाय डायरेक्शनल बोथ द डायरेक्शन में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए नाउ कमिंग टू साइंस ऑफ प्रोकैरियोट नेक्स्ट इज साइंस ऑफ प्रोकैरियोट DNA सबसे पहला टाइम है दैट इज फर्स्ट एंजाइम इज
என்னே क्या काम होता है डीएनए का? डीएनए हेलिकेज कॉजेस अनवाइंडिंग ऑफ इस, तो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है को सेपरेट करता है टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड्स जिनके आपका रेप्लिकेशन। सेकंड जो है दैट इज योर डीएनए नेक्स्ट जो है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है एक्चुअली, क्या करता है? एड्स एनटीपीस, ऐड करता है अपने न्यूक्लियोटाइड्स को। दिस इज द मेजर वर्क ऑफ योर डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें, अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं, हम रेप्लिकेशन के टाइम पे दो डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज देखते हैं। एक है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3, एक है आपका डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का रोल क्लियर नहीं है रेप्लिकेशन। हमारे पास रेप्लिकेशन में दो डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? तो भी लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स है, दैट इज और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पे डीएनटी ऐड करने का काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज एड्स डीएनटी लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड प्लस प्रूफ रीडिंग का काम भी जो है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। अगर इन कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो उसको रिमूव का काम भी आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। किसकी हेल्प से? 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेस आपकी प्रूफ रीडिंग है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेस। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें, इसका काम डीएनए रेप्लिकेशन प्लस डीएनए रिपेयर दोनों में देखें। इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन एंड डीएनए रिपेयर बोथ। एंड अगर स्पेसिफिकली बात करूं ये क्या काम करता है, इट मूव्स और प्राइमर, करेक्ट। नेक्स्ट एंजाइम यहां तक आ गए तो नेक्स्ट एंजाइम भी देखो, दैट इज प्राइमेज। टाइम इज योर प्राइमेज। प्राइमेज का क्या काम है? तो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है, दैट मींस पास 3 कॉन्टिन्यूअसली डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करना पड़ता है और उसके लिए कंटिन्यूअस प्राइमर लगाना पड़ता है, दैट इज प्राइमेज एड्स। प्राइमर सिंथेसिस का काम कौन करता है? प्राइमेज। नेक्स्ट एंजाइम इज योर डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट एंजाइम इज योर ने लाइगेज क्या करता है? जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए लाइगेज का काम क्या है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। नेक्स्ट इज योर टोपो आइसोमरेज
one and topoisomerase. नेक्स्ट एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2। तो अब देखते हैं ये दोनों काम क्या करते हैं। टोपोआइसोमरेज 1 क्या करता है, जैसे जैसे आपका रेप्लिकेशन फॉर्क आगे की तरफ बढ़ता है तो आगे ओवरवाउंडिंग हो जाती है, जो आगे का डीएनए वो अपने ऊपर कॉइल होता जाता है, उस ओवरवाउंडिंग को रिलीज का काम करता है आपका टोपो 1। दोबारा से सुनिए, जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क आगे की तरफ बढ़ता है जो सर्कुलर डीएनए है वो ऊपर कॉइल होते जाते हैं, ओवरवाउंडिंग होती जाती है, उस ओवरवाउंडिंग को रिलीज करने का काम करता है टोपो 1। दिस इज ओवरवाउंडिंग ओवरवाउंडिंग अहेड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे जैसे रेप्लिकेशन है ओवरवाउंडिंग होती जाती है तो रिलीज करना है डीएनए टोपोमरेज 1। टोपोमरेज 2 क्या करता है, जब कंप्लीट रेप्लिकेशन जाती है तो सबसे पहले हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए था, अब इस पे रेप्लिकेशन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स हैं वो भी इस पे कनेक्टेड रहते हैं, करेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको रिलीज करने का काम टोपो आइसोमर। लेकिन दैट इज सेपरेट्स न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स है वो क्या करता है, अलग अलग करता है, किस हेल्प से, ब्रेक्स लगाता है, दैट इज कट्स लगाता है ताकि स्ट्रैंड जो है आउट। दीज आर द डिफरेंट साइंस जो हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए हेलिक्स दैट कॉजेस बाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में ताकि रेप्लिकेशन हो पाए। डीएनए पॉलीमरेज दैट एड्स योर डीएनए इज दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए 1 काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, डीएनटीपी ऐड करता है, प्लस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है किसकी हेल्प से, टाइम टू फाइंड एक्सोन्यूक्लियोटाइड। प्लीज ये बात याद रखना, प्रूफ रीडिंग टाइम टू फाइंड। डीएनए पॉलीमरेज रिपेयर और रेप्लिकेशन करता है प्राइमर को, और ये प्लीज एक चीज यहाँ पे याद रखना, प्राइमर जो है दैट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड। आपका प्राइमर बना होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, उनको रिमूव करता है आपके प्राइमर को और उनकी जगह पे टीएनटीपीस को ऐड कर, राइट। नेक्स्ट इज प्राइमेज दैट इज एड्स प्राइमर। डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है ओकासाकी फ्रेगमेंट्स को, टोपोआइसोमरेज 1 रिलीज करता है ओवर को, टोपोआइसोमरेज 2 क्रिएट करता है गाइस स्ट्रैंड्स को। दिस इज द फिगर, जितने भी टाइम्स यू प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को आप सब, अब देखो ये है आपका लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, वो स्ट्रैंड जिसके पास खुद का टी प्राइम ओ एच है ताकि न्यू डी एन टी पी एड हो जाए। डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड एंड डीएनए पॉलीमरेज ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेशन नहीं होती, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, और उन फ्रेगमेंट्स को आप बोलते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, दैट इज ये रहे आपके ओकाजाकी। याद रखना लैगिंग स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस नहीं है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जॉइन किए जाते हैं बाय डीएनए लाइगेज, देन यू कैन सी आरएनए प्राइमर सिंगल स्ट्रैंडेड, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे एक चीज और बात करनी थी, सिंगल स्ट्रैंड के बाइंडिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब आपने अनवाइंडिंग कर दी, डीएनए हेलिकेज अनवाइंडिंग कर दी,
आपके स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सिंगल स्ट्रैंड हो गए, ताकि ये स्ट्रैंड्स जो हैं वो वापस वाउंड ना हो जाएं, उस बाइंडिंग को प्रिवेंट करने का काम करते हैं आपके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। आपको दिख रहा है डीएनए हेलिकेस, दैट इज कॉजिंग योर बाइंडिंग ऑफ डीएनए, पेरेंटल डबल हेलिक्स, लैगिंग स्ट्रैंड। अब देखो पहला होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन इज जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। कैसे होता है? नाउ याद रखना प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज ओ आर आई सी। इस ओ आर आई सी को नाइस करता है डीएनए हेलिकेस। अब डीएनए हेलिकेस का फंक्शन पता है तो पता होगा, डीएनए हेलिकेस आ गया तो क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ अनवाइंडिंग हो गई तो अनवाइंडिंग हो गई एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा लीडिंग स्ट्रैंड, और एक होगा लैगिंग स्ट्रैंड। दोनों से कौन बाइंड करेगा? दोनों से बाइंड करेंगे आपके एसएसबी इस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग। नेक्स्ट स्टेज दैट इज एलॉन्गेशन। एलॉन्गेशन में क्या होता है? एलॉन्गेशन में होता है आपके डीएनए पॉलीमरेज एड्स एनटीपीज ऐड होंगे एंड न्यू स्ट्रैंड्स का नेक्स्ट इज टर्मिनेशन। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन पे क्या होता है? टर्मिनेशन पे डीएनए पॉलीमरेज 3 फॉल ऑफ हो जाएगा। नाउ फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? डीएनडीपी को सॉरी प्राइमर को रिमूव करेगा। फाइनली डीएनटीपीज को ऐड करेगा। करेक्ट, प्राइमर रिमूवल होगा, डीएनटीपीज एडिशन होगा। लास्ट में आता है आपका डीएनए हेलिकेस, लास्ट में आता है डीएनए लाइगेस दैट जॉइंस और दैट जॉइंस ओकाज़ाकी सेगमेंट। फाइनली द रेप्लिकेशन व्हेन, देखो हुआ क्या, सबसे पहले इनिशिएशन कहाँ से होता है? एक स्पेसिफिक साइट है ओ आर आई सी, जहाँ से आपने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। वहाँ पे आके डीएनए हेलिकेस जो है वो आके बाइंड करेगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए होगी, दो स्ट्रैंड्स बनेंगे स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, जिनसे बाइंड करेंगे आपके सिंगल प्रोटीन स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। फिर होगा इलोंगेशन जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा कंटिन्यू। फाइनली टर्मिनेशन टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज 3 फॉल ऑफ हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा,
क्या करेगा, प्राइमर रिमूव करेगा। डी प्राइमर की जगह पे अभी बताया था प्राइमर जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, प्राइमर रिमूव होगा वो जगह खाली होते ही वहां पे डीएनटीपी ऐड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज वन, एंड फाइनली आपका जो डीएनए लाइगेज है वो ज्वाइन कर देगा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोकैरियोटिक डीएनए। रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो जब हम इकोलाई बात करते हैं वहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दो चीजों का बना है, एक है 9-mer सीक्वेंस और एक है 13-mer सीक्वेंस। ये दोनों मिलके बनाते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन केस ऑफ योर इकोलाई। इस पर सबसे पहले आके बाइंड करता है डीएनए ए एटीपी, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड करता है डीएनए ए एटीपी। एटीपी हाइड्रोलिसिस से एटीपी हाइड्रोलिसिस से डीएनए हेलिकेस जिसका नाम है डीएनए बी बाइंड करता है, और डीएनए हेलिकेस को बाइंड करने में या हम कहेंगे लोड होने में कौन हेल्प करता है, डीएनए हेलिकेस लोडर दैट इज डीएनए सी। हेलिकेस के लोड होते ही अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड कमिंग टू दैट फिर आएगा प्राइमेज। प्राइमेज का काम क्या था, प्राइमर सिंथेसिस कराना। प्राइमेज बाइंड करता है, प्राइमेज के साथ बाइंड करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो आपका लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड दोनों पर रेप्लिकेशन कराता है। तो अब जब आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 बाइंड हो गया, इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट मींस न्यूक्लियोटाइड का एडिशन स्टार्ट हो जाता है एंड योर डीएनए स्ट्रैंड्स इलोंगेट, दैट इज देयर लेंथ इंक्रीजेस। एंड देन वी हैव ये फिगर डिनोट कर रही है इलोंगेशन को, इलोंगेशन जो आपका सेकंड स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का। कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है इलोंगेशन को। नेक्स्ट दिस शोज योर टर्मिनेशन, इनिशिएशन में क्या हुआ है, इनिशिएशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का रिकॉग्निशन हुआ, उसके ऊपर डीएनए हेलिकेस ने आके बाइंड किया, अनवाइंडिंग हुई, अनवाइंडिंग के साथ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड करते हैं ताकि जो आपके स्ट्रैंड्स हैं वो वापस वाउंड ना हो जाएं। देन इलोंगेशन होता है जो कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है, एंड फाइनली टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन में मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, प्राइमर का रिमूवल करता है और उसकी जगह पे न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करता है। ये फिगर डिनोट कर रही है एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जिसमें रोल होता है आरएनएज एच का। आरएनएज एच क्या करता है, सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को निकाल देता है, बस एक राइबोन्यूक्लियोटाइड बच जाता है जो आपका डीएनए से बाउंड होता है। डीएनए स्ट्रैंड से बाउंड जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है सिंगल, वो बच जाता है, उसको रिमूव करता है 5' एक्सोन्यूक्लियस। फिर आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर डीएनटीपीज को ऐड करता है, एंड फाइनली लाइगेज जो फाइनल निक को जॉइन करते हुए कंप्लीट स्ट्रैंड्स बनाता है। हमने क्या पढ़ा था, डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है जो आकर जो भी आपका प्राइमर है, प्राइमर किससे बना है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना है, उनको रिमूव करता है एंड एड्स द डीएनटीपीज इन इट्स प्लेस। ये अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जहां पर हम आरएनएज एच का यूज करते हैं। RNase H क्या करता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है। फाइनली एक राइबोन्यूक्लियोटाइड बच जाता है जो आपका डीएनए स्ट्रैंड से बाउंड होता है, इसको रिमूव करता है 5' एक्सोन्यूक्लियस, एंड फाइनली डीएनए पॉलीमरेज आकर यहां पर डीएनटीपीज का एडिशन कराता है। लाइगेज दोनों स्ट्रैंड्स को, दैट इज जो स्ट्रैंड डीएनटीपीज स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हुआ है उसके साथ डीएनए स्ट्रैंड को ज्वाइन करता है, एंड फाइनली योर स्ट्रैंड इज कंप्लीटेड। दिस इज हाउ डीएनए रेप्लिकेशन occurs in case of your E. coli. Please याद रखना organisms different हैं लेकिन components same हैं, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जो आप यहाँ पे देखोगे, देखो enzyme that function at the replication fork, primase को E. coli में क्या बोलते हैं, DNAG, primase and primase in human, ये अलग अलग नाम है। DNA helicase को E. coli में क्या बोलते हैं, DNA B। इन केस ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या बोलते हैं, MCM 27 कॉम्प्लेक्स, एंड इन केस ऑफ ह्यूमन आल्सो MCM 227 कॉम्प्लेक्स। SSBs को क्या बोलते हैं,
SSBs को बोलते हैं SSB इन केस ऑफ इकोलाय, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी में बोलते हैं RPAA एंड ह्यूमन आल्सो RPAA. फाइनली टोपो आइसोमरेसिस, इट इज नोन एज टोपो वन एंड गायरेज इन केस ऑफ इकोलाय एंड सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इट इज नोन एज टोपो वन एंड टू एंड सेम इन ह्यूमन टोपो वन एंड टू. काम सेम है लेकिन नाम अलग अलग है. सो दिस इज हाउ द प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स. अब स्टार्ट करते हैं हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन. उसके लिए आपको क्या याद रखना है, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन सिमिलर है इनटू डीएनए रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. बहुत सिमिलर है लेकिन कुछ सर्टेन डिफरेंसेस हैं. सो क्या डिफरेंसेस है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि डिफरेंसेस क्यों है. हमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाई यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इज डिफरेंट इन या डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन. द क्वेश्चन इज कि जो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन से अलग क्यों है. सबसे पहले यूकैरियोट्स का जो जीनोम है दैट इज वेरी लार्ज इन साइज. फर्स्टली यूकैरियोटिक जीनोम इज लार्ज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक जीनोम. करेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा जीनोम है यूकैरियोट्स में एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स. सेकेंडली आप देखते हो जो प्रोकैरियोट्स है उसमें क्रोमोसोम क्या है, सर्कुलर है, लेकिन इन केस ऑफ अस दैट इज यूकैरियोट्स वी हैव लीनियर क्रोमोसोम्स. वी हैव लीनियर क्रोमोसोम्स. तो इन दोनों कंडीशंस की वजह से जो आपका यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन. अब देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं. डिफरेंसेस इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन. सबसे पहला डिफरेंस जो देखने को मिलता है दैट इज मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. आपके प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इन केस ऑफ योर यूकैरियोट्स मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं. सेकेंडली लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड दोनों पर डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करते हैं. आपने प्रोकैरियोट्स में क्या देखा, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पर डीएनए पॉलीमरेज 3 काम कर रहा है, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स लीडिंग और लैगिंग दोनों स्ट्रैंड्स पर डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज है. दैट इज डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज ऑन डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज ऑन लीडिंग एंड लैगिंग
स्ट्रैंड्स, जो इलोंगेशन है वो दोनों में डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज कराता है. नेक्स्ट नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज टीलोमरेज एक्टिविटी. टीलोमरेज एक्टिविटी का पहले यूज देख लो. टीलोमरेज एक्टिविटी क्या करती है? टीलोमरेज एक्टिविटी इज यूटिलाइज टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स टू एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम. क्या करते हैं? टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स टू एंड ऑफ क्रोमोसोम. देखो क्या होता है, आपको पता है, या आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो प्रोकैरियोट्स में, जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड्स है उस पर कॉन्टिन्यूअसली प्राइमेज के हेल्प से बार बार रेप्लिकेशन रीइनिशिएट करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है. क्या होता है? लैगिंग स्ट्रैंड्स पर बार बार रेप्लिकेशन रीइनिशिएट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड्स जो हैं वो कॉपी नहीं हो पाते. एंड्स कॉपी नहीं हो पाते. अगर हम उन एंड्स को कॉपी नहीं करेंगे तो आपके क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी जनरेशन टू जनरेशन. तो इसलिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है टीलोमरेज. किसमें है? यूकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में एक स्पेसिफिक एंजाइम है टीलोमरेज. ये जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम को, उनको सिंथेसाइज करते हैं, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज करते हैं. तो ये तीन डिफरेंसेस हैं योर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन में. सबसे पहले मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. सेकेंड, डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज फॉर लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड, दोनों के लिए डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करते हैं. थर्ड इज टेलोमरेज एक्टिविटी, जो आपको नहीं देखने को मिलती इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोट्स. अब बात करते हैं, देखो क्या जनरल प्रोसीजर था, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, यही प्रोसीजर था. करेक्ट, यहां पर भी यही होने वाला है, बस एंजाइम के नाम चेंज हो जाएंगे. सबसे पहले इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन. सबसे पहले क्या स्टेप है? सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का रिकॉग्निशन होना. तो क्या है फर्स्ट स्टेप? दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. एग्जाम्पल लेते हैं यीस्ट का. एग्जाम्पल लेते हैं ईस्ट का. ईस्ट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बोलते हैं एआरएस. एआरएस ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, और इसको रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स. इट इज रिकॉग्नाइज्ड by ORC, origin recognition complex. First step completed. सबसे पहला step यही है, recognition of origin of replication. अगर हम yeast में बात करें तो origin of replication को बोलते हैं ARS. That is recognized by origin recognition complex. Second step क्या होता है? क्या होता है? Helicase का bind होना और unwinding होना. Second step is binding of helicase and unwinding of DNA. अगर अभी याद हो जो टेबल देखी है उसमें helicase का नाम है. humans में या फिर yeast में क्या बोलते हैं helicase को? MCM complex.
नाउ अनवाइंडिंग हो गई, अब कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज, और याद रखना इसके साथ ही सिंगल स्ट्रैंड एसएसबीज भी आएंगे। एसएसबीज को क्या बोलते हैं? एसएसबी प्रोटीन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आर नोन एज आरपीए, करेक्ट। नेक्स्ट इज इलोंगेशन, जब हम डीएनटीपीज का एडिशन कराएंगे। तो अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इलोंगेशन, तो इलोंगेशन में हमारे पास एक है लीडिंग स्ट्रैंड, और एक है आपका लैगिंग स्ट्रैंड। तो पहले याद रखना है इलोंगेशन इनिशिएट कौन करता है? दोनों पर, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड पर प्राइमेज या फिर इनिशिएट करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, इनिशिएटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। करेक्ट। इलोंगेशन का इनिशिएशन मतलब इलोंगेशन स्टार्ट कौन कराता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, जिसके पास प्राइमेज एक्टिविटी है, जिसके पास प्राइमेज एक्टिविटी है। फाइनली क्या होता है? लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज डिस्प्लेस्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। क्या होता है? देखो इलोंगेशन स्टार्ट दोनों के केस में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ही कराता है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड पर भी। लेकिन बाद में क्या होता है? लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज को रिप्लेस कर देता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो लीडिंग स्ट्रैंड का जो इलोंगेशन है वो कौन कराएगा? वो कराएगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और लैगिंग स्ट्रैंड का जो इलोंगेशन है वो कराएगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। आगे डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस यही बताया था कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है और जो लैगिंग स्ट्रैंड है, दोनों का इलोंगेशन अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज करते हैं। तो ये पॉइंट प्लीज याद रखना, और ये भी याद रखना डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ही प्राइमेज है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ही प्राइमेज है। अब होगा इलोंगेशन, डीएनटीपीज का एडिशन, एंड फाइनली हमारे पास है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होने वाला है? हमें प्राइमर रिमूवल करना है और डीएनटीपीज का एडिशन कराना है। टर्मिनेशन में हमें क्या करना है? प्राइमर रिमूवल प्लस एडिशन ऑफ डीएनटीपीज। याद रखना जहां से प्राइमर रिमूव हुआ है उनकी जगह पे डीएनटीपीज ऐड करनी है, और उसका काम करता है डीएनए पॉलीमरेज एप्साइलन, उसका काम करता है डीएनए पॉलीमरेज एप्साइलन। फाइनली आएगा डीएनए लाइगेस दैट जॉइंट्स योर ओकासाकी फ्रेगमेंट, एंड विद दिस joins Okazaki fragment, और इसी के साथ यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। देखो सबसे पहले क्या कराना है? इनिशिएशन कराना है। इनिशिएशन में फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ARS, जिसको रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप क्या होता है? बाइंड करता है हेलिकेज, जिसको हम बोलते हैं MCM कॉम्प्लेक्स। अनवाइंडिंग होती है, उसी के साथ सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है प्रोटीन RPA। नेक्स्ट इज इलोंगेशन, दोनों स्ट्रैंड्स हैं लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स पर इलोंगेशन इनिशिएट
करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, लेकिन बाद में लीडिंग स्ट्रैंड से डीएनए पॉलीमरेज को अल्फा को हटा दिया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा फाइनली इलोंगेशन कराता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इलोंगेशन कराता है लीडिंग स्ट्रैंड का। देन वी हैव टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या इवेंट्स है, प्राइमर रिमूवल होता है, और प्राइमर क्योंकि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना है तो उन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को निकालना है, उसकी जगह पे डीएनटीपीज का एडिशन कराना है। वो काम कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। फाइनली डीएनए लाइगेज आएगा जो ओकासाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है एंड द कंप्लीट डीएनए इज फॉर्म्ड। नाउ सो दिस इज योर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। सबसे पहले आपके पास है ऑरिजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो रिकॉग्नाइज करेगा आपके ऑरिजन ऑफ रेप्लिकेशन को, एंड देन वी हैव हेलिकेज एमसीएम हेलिकेज जो कराएगा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। देन वी हैव इलोंगेशन जहां पर आपके डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा काम करेंगे, एंड फाइनली टर्मिनेशन होगा जहां पर आपका डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन काम करेगा। So this is the series of events in case of your eukaryotic replication. एक हमने initially third difference जो discuss किया था, that was telomerase activity. This is the diagrammatic representation of telomerase activity. आपको एक चीज याद रखनी है, telomerase के पास एक RNA strand होता है, RNA strand होता है telomerase के पास। आरएनए स्ट्रैंड क्या करता है, आरएनए स्ट्रैंड यहां पे ये रहा इसका आरएनए स्ट्रैंड। आरएनए स्ट्रैंड क्या करता है, यहां पर एडिशनल सीक्वेंसेस के एडिशन कराता है, इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहां सिंथेसाइज होंगे, एंड फाइनली आप सबसे पहले ये देखो, हमने बोला था कि एंड्स कॉपी नहीं होते, ये वो एंड है जो कॉपी नहीं हो पा रहा। देन वी हैव टेलोमेरेज जो क्या करता है, आरएनए अपने आरएनए को यूटिलाइज करके एक्सटेंड करता है थ्री प्राइम एंड को, एंड फाइनली डीएनए पॉलीमरेज आके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस कराता है ताकि जो एंड्स है वो भी कॉपी हो जाए और विद द रेप्लिकेशन वो लॉस्ट ना हो। तो दिस इज अबाउट योर डीएनए रेप्लिकेशन इन केस ऑफ योर यूकैरियोट्स। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन और लेक्चर, that is DNA repair. Next we have to discuss is DNA repair. Okay, तो DNA damage replication के time पर भी हो सकता है और environmental factors की वजह से भी हो सकता है। DNA damage की अगर हम बात करें तो DNA damage आपका रेप्लिकेशन के टाइम पर भी हो सकता है, दैट इज रेप्लिकेशन एरर की वजह से भी हो सकता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। करेक्ट, तो रेप्लिकेशन एरर वाले को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन रिपेयर करता है, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि किससे होता है, बाय प्रूफ रीडिंग, एंड इट इज रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस है, रेडिएशंस हो गई, म्यूटेजेनिक केमिकल्स हो गए, दैट कॉज योर डीएनए डैमेज, दैट इज रेडिएशंस और वी कैन से केमिकल्स, म्यूटाजेनिक केमिकल्स। करेक्ट, नाउ अब देखो एक टर्म है लेसिन, टर्म इज लेसिन। कोई भी ऑल्ट्रेशन होता है अगर आपके डीएनए में, कोई भी फिजिकल या केमिकल ऑल्ट्रेशन होता है आपके डीएनए में, दैट इज नोन एज लेसिन। एनी फिजिकल और केमिकल
ऑल्ट्रेशन इन डीएनए इज नोन एज योर लेसन. अगर हम बात करते हैं केमिकल ऑल्ट्रेशन में क्या क्या आता है, तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स में चेंजेस हो सकते हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं आपके बेसिस पर उनमें चेंजेस हो सकते हैं, शुगर के या फिर नाइट्रोजिनस बेस के कार्बन एटम्स में या फिर नाइट्रोजन बेसिस के कार्बन एटम्स या फिर डिफरेंट एटम्स में चेंजेस हो सकते हैं, वो सारे आपके केमिकल चेंजेस का पार्ट बनेंगे. देन अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस, अगर कोई भी डिस्टॉर्शन होता है स्ट्रक्चर में उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज. और फिजिकल चेंज का रिजल्ट होता है, फिजिकल चेंज की वजह से क्या होता है, इट ब्लॉक्स योर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. फिजिकल चेंज के रिजल्ट में रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेल डेथ हो सकती है. तो लेसिन क्या है, कोई भी फिजिकल या केमिकल ऑल्ट्रेशन अगर डीएनए में होता है दैट इज नोन एज लेसिन. अब केमिकल में फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस हो सकता है, कार्बन एटम्स में या फिर नाइट्रोजन बेसिस में चेंजेस हो सकते हैं. फिजिकल अगर बोले तो जब भी ज्योमेट्री कॉन्फर्मेशन अगर चेंज होती है आपकी डीएनए की दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज. एंड फिजिकल चेंज की वजह से रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल डेथ हो सकती है. कमिंग टू डिफरेंट एजेंट्स, अगर हम जर्नल बात करें कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं, फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑक्सीडेटिव डैमेज. अगर ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है डीएनए को, By the presence of reactive oxygen species in the cell, example superoxide. तो ये क्या करते हैं, ये अपने डीएनए को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं. नेक्स्ट इज एल्काइलेशन. नेक्स्ट डैमेज जो आपके डीएनए को हो सकता है दैट इज एल्काइलेशन. एंड एल्काइलेशन क्या है, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप. दे कैन एड मिथाइल ग्रुप, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज होता है. एंड थर्ड इज बल्की एडक्ट. जैसे बल्की एडक्ट का एग्जाम्पल है थाइमीन डाइमर्स बन सकते हैं. नाउ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेज है जो हो सकते हैं. ऑक्सीडेशन हो सकता है, एल्काइलेशन हो सकता है, ये बल्कि ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो सकता है. एक सिंपल सी बात है, योर डीएनए इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कि कोई भी म्यूटेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो. तो क्या किया गया है, डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं जो आपकी सेल यूटिलाइज करती है टू रिपेयर योर डैमेज डीएनए. तो हमें उन मैकेनिज्म्स को स्टडी करना है. सबसे पहला जो है दैट इज डायरेक्ट रिवर्सल. फर्स्ट मेथड इज योर डायरेक्ट रिवर्सल.
डायरेक्ट रिवर्सल आप देख सकते हो इन केस ऑफ थाइमिन डाइमर या फिर एल्काइलेशन के केस में. थाइमिन डाइमर और एल्काइलेशन के केस में देखने को मिलता है डायरेक्ट रिवर्सल. अब देखो आपके थाइमिन डाइमर को रिपेयर करने वाला एंजाइम है पोटोलाइज. पोटोलाइज एक्टिवेट होता है बाय ब्लू लाइट. विजिबल लाइट का कंपोनेंट ब्लू लाइट से एक्टिवेट होता है. इट इज एक्टिवेटेड बाय ब्लू लाइट और डायरेक्टली थाइमिन डाइमर को रिपेयर कर देता है. अब एल्काइलेशन को ठीक करने वाला है एल्काइल ट्रांसफरेज. एल्काइल ट्रांसफरेज. एल्काइल ट्रांसफरेज क्या करता है? एल्काइल ट्रांसफरेट एल्काइल ग्रुप को डीएनए से लेकर अपने ऊपर अटैच कर लेता है. एल्काइल ट्रांसफरेज ट्रांसफर करता है एल्काइल ग्रुप को फ्रॉम द डीएनए टू इटसेल्फ. एंड याद रखना, अगर एल्काइल ट्रांसफरेज पर एल्काइल ग्रुप लग गया द एंजाइम इज डैमेज्ड. तो सिर्फ एक ही बार एल्काइल ट्रांसफरेज को यूज कर सकते हैं, बार बार नहीं यूज कर सकते. एक एल्काइल ट्रांसफरेज एक ही बार यूज किया जाता है क्योंकि वो क्या करता है, डीएनए से एल्काइल ग्रुप अपने ऊपर ट्रांसफर करता है एंड एज अ रिजल्ट इट इज डैमेज्ड. तो डायरेक्ट रिवर्सल में हम दो कंपोनेंट्स देख रहे हैं, थाइमिन डाइमर और एल्काइलेशन. थाइमिन डाइमर को ठीक करता है फोटोलाइज, किससे एक्टिवेट होता है, बाय ब्लू लाइट. एंड एल्काइलेशन को ठीक करने वाला है आपका एल्काइल ट्रांसफरेज. सो दिस इज द फिगर ऑफ योर डायरेक्ट रिवर्सल फोटो एक्टिवेशन. फोटो एक्टिवेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां पर यूजिंग लाइट फोटोलाइज को एक्टिवेट किया गया है. तो यू हैव पिरिमिडी डाइमर, थाइमिन डाइमर यहां पर है. किसकी वजह से हो, यूवी रेज की वजह से डाइमर बना है, लेकिन फोटोलाइज को एक्टिवेट करता है लाइट एंड फाइनली द डाइमर इज रिमूव्ड. सो दिस इज योर डायरेक्ट रिवर्सल मेथड ऑफ डीएनए रिपेयर. उसके बाद है एक्सीशन रिपेयर. सेकंड इज योर एक्सीशन रिपेयर. एंड एक्सीशन रिपेयर के दो डिफरेंट टाइप्स हैं. We have two different types of excision repair. First is base excision repair and next is your nucleotide excision repair. अब देखो कौन से एंजाइम यूज होते हैं. बेस एक्सीजन रिपेयर का एंजाइम है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज. अब बेस एक्सीजन मतलब जो बेस गलत लगा है सिर्फ और सिर्फ उसे रिमूव करेगा. ओनली ऑल्टर्ड बेस is removed and finally aapke nucleotide excision repair mein utilize karte hain endonuclease ka. ye kya karta hai, jahan par bhi mistake hai, jahan par bhi damage hai, uske dono taraf ek series of ya kahenge fragment of dntps ko remove karta hai, nucleotides ko remove karta hai, bases ko remove karta hai. it removes It removes nucleotides on either side of lesion. जहां पर भी damage है उसके दोनों तरफ से कुछ nucleotides को remove करता है. अब ध्यान से देखना, आपका सबसे पहले है यहां पर base excision. क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम डीएनए ग्लाइकोसाइलेज को लेंगे और वहां से डीएनए ग्लाइकोसाइलेज को लेंगे और वहां से जो बेस गलत लगा है उसको रिमूव करेंगे.
डीएनए ग्लाइकोसाइलेज सबसे पहले डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो गलत बेस है उसको हटा देगा. अगर बेस हट गया तो वहां यहां पर ए प्यूरिनिक या फिर ए पिरिमिडिक साइट बनेगी, एपी साइट बनेगी. मतलब वहां से क्या होगा, प्यूरिन या पिरिमिडिन हट चुका है, वो जगह जो है वो खाली है, तो उसको बोलते हैं एपी साइट. अब उस एपी साइट पर आता है एंडोन्यूक्लिएज. अब देखना ये मेथड जो है वो सिमिलर होता जाएगा न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन से. एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देगा, सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देगा एंड फाइनली वहां पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज, वहां पर डीएनटीपीज ऐड होंगे एंड फाइनली वहां पे आएगा डीएनए लाइगेज जो उस फ्रेगमेंट को ज्वाइन करेगा. क्या सबसे पहले क्या है, बेस एक्सिशन रिपेयर में सबसे पहले आता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो गलत बेस को हटाता है. वहां पे हो गई एपी साइट क्योंकि वहां से या तो पुरीन या पिरिमिडिन हट चुके हैं. उस एपी साइट पर एक्ट करता है एंडोन्यूक्लियस जो वहां से सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है एंड फाइनली वहां पर डीएनए पॉलीमरेज आता है जो वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करेगा एंड लाइगेज फाइनल ज्वाइनिंग कराएगा. नाउ कमिंग टू न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन में आप ऑलरेडी देख चुके हो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस आएगा. एंडोन्यूक्लियस आके सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का रिमूवल कराएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा उस साइट को फिल करेगा एंड फाइनली डीएनए लाइगेज एक्ट करेगा. अब देखो फिगर, दिस इज योर बेस एक्सिशन रिपेयर जहां पे आपको सबसे पहले ग्लाइकोसाइलेज दिख रहा है, वहां पर फिर ये आप पे एपी एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस दिखेगा एंड फाइनली डीएनए पॉलीमरेज आएगा. ये है आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर. यू वी आर ए बी सी ये है आपका एंडोन्यूक्लियस. UVR ABC क्या है, तीन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है. ABC तीन अलग अलग प्रोटीन है उनका कॉम्प्लेक्स है. सबसे पहले AB आके बाइंड होता है ATP के साथ, ATP हाइड्रोलिसिस होती है, ATP हाइड्रोलिसिस से बाइंड करता है UVRC, UVRC एक्सिशन कराता है एंड देन उस फ्रेगमेंट को जो पूरा न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट जो रिमूव किया गया उसको लेके चला जाता है. फाइनली DNA पॉलीमरेज एंड DNA लाइगेज उस जो गैप आया उसको फिल करते हैं एंड योर DNA इज रिपेयर. सो दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर. नाउ इसके साथ थर्ड मेथड है, दैट इज मिसमैच रिपेयर. जो भी मिसमैचिंग हुई है आपकी डिफरेंट बेसिस की उसको ठीक करने का काम करता है मिसमैच रिपेयर. यहां पे हमारे पास है डिफरेंट एंजाइम, दैट इज म्यूट एच, म्यूट एस एंड म्यूट एल. सबसे पहले देखो रिकॉग्निशन ऑफ मिसमैच, रिकॉग्निशन एंड रिमूवल ऑफ मिसमैच का काम करता है म्यूट एच. Recognition and removal of mismatch का काम करता है म्यूट एच और म्यूट एच के पास ही है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी. लेकिन ये एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी तब एक्टिवेट होती है जब म्यूट एच लिंक होता है या इंटरैक्ट करता है म्यूट एस से. तो आप कहोगे म्यूट एस का काम क्या है, एक्टिवेट्स एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ
म्यूट एच, एंड फाइनली इन दोनों को लिंक करने का काम करता है म्यूट एल, दैट इज लिंक्स म्यूट एच एंड म्यूट एस, ताकि एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाए। अब देखो फिगर, सबसे पहले आपके पास क्या है, म्यूट एस, देन वी हैव यहाँ पे म्यूट एल और म्यूट एच जो काम करेंगे टू क्या करेंगे, रिमूव करेंगे उस मिसमैच को, एंड फाइनल डीएनए पॉलीमरेज, याद रखना कोई भी ब्रेक या गैप आ रहा है उसको रिपेयर डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा। सो दिस इज हाउ योर मिसमैच रिपेयर वर्क्स। सो कौन कौन से डिफरेंट मेथड देखे हमने, सबसे पहले हमारे पास था डायरेक्ट मेथड जहां पे थायमिन डाइमर और एल्कालेशन को रिमूव कर रहे थे, थायमिन डाइमर को पोटोलाइज की हेल्प से और एल्कालेशन को एल्काइल ट्रांसफरेज की हेल्प से। एक्सिशन रिपेयर दो डिफरेंट टाइप्स हैं, बेस एक्सिशन रिपेयर का मेन एंजाइम डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर का एंडोन्यूक्लियस है। सबके एंजाइम्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, नाम एंजाइम से ही आएगा, क्वेश्चन एंजाइम से ही आएगा। नेक्स्ट वी हैव मिसमैच रिपेयर जहां पे हमारे पास है म्यूट एच, म्यूट एस एंड म्यूट एल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। जो सेकेंड पार्ट है आपका, जितना भी मॉल बायो का सेकेंड पार्ट है वो आपको देवाशीष सर पढ़ाएंगे, एंड इस पार्ट के जो PYQs हैं वो हम PYQ सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।